So welcome viewers. Welcome viewers. आज मेरे साथ में आपकी क्या एज आंटी 58 52 क्या उम्र है आंटी आपकी 60 ईयर्स की हमारे साथ पेशेंट हैं. इनको कुछ दिन पहले करीब 8 से 10 दिन पहले इन्होंने अपने मुंह में बादाम खाया या कोई गोली खाने की कोशिश की. इन्होंने जॉ को ज़्यादा ओपन अप किया, उसकी वजह से इनकी मसल स्पैज़म में चली गई. और आई एम श्योर कि उस इवेंट से पहले भी जॉइंट्स ज़्यादा नहीं खुलते होंगे. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ TMJ डिसफंक्शन की. TMJ जॉइंट होता है जिसको हम जबड़ा भी बोलते हैं. जबड़े सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट पूरे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और मैसेटर मसल जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा टाइट मसल्स होती हैं. जब हम अपनी एक्टिविटीज़ अपने माउथ की एक्टिविटीज़ या उनके जॉइंट्स की पोजिशनिंग ठीक से नहीं होती है तो ये जॉइंट्स भी आपस में आर्थराइटिक स्टेज में चले जाते हैं. जैसे कि पाँव का गठिया होता है, हाथों का गठिया होता है, उसी तरह से TMJ का भी गठिया बनना चालू हो जाता है. और ये एज के साथ सबके साथ होता है, बट ये अर्बन पॉपुलेशन में TMJ बहुत कॉमन है. तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं. आंटी का MRI हो चुका है, एक्सरेज हो चुके हैं, मैक्सोफेशियल सर्जन से मिल चुके हैं. उन्होंने इनको सॉलिड खाना खाने से मना किया है. ये जनरली लिक्विड पे ही आप हैं अभी बहुत ज़्यादा, है ना, या खिचड़ी इस तरह की राइस, हाँ, इस तरह की ही डाइट ले रही हैं. और इन सब चीज़ों की वजह से ये अपने दांत से प्रेशर नहीं लगा पा रही हैं. ये दांत से प्रेशर लगाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल है. और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके मुंह में सिर्फ 2 उंगलियां जा रही है. मुंह खोलेंगे, 2 उंगलियां भी मैं नहीं बोलूंगा जा रही हैं. इसी को और देख सकते हैं कि हम इनके नेजोलेबल फोल्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हैं और जल्दी जल्दी श्रिंक कर रहे हैं कि जो मैं देख पा रहा हूँ. तो मैं पहले तो TMJ जॉइंट को सबसे ज़्यादा रिलीज करूँगा, जितना ज़्यादा रिलीज कर सकता हूँ अंदर से बाहर से. और इसके ऊपर फिर मैं आपको नीडलिंग करके दिखाऊंगा अच्छे से. एक ये तरीका हो गया. दूसरा, मैं मुंह के अंदर जॉस पहनते पूरा मुंह खोल लीजिए. मेरे हाथ बिल्कुल साफ करके आया हूँ, उसके ऊपर मैंने ग्लव्स पहने और मैं रेजिस्टेंस फील कर रहा हूँ. जॉस नहीं खुल पा रहे हैं, देखिए मैं, मुझे भी डर है कि थोड़ा सा मैं पीछे इनके जबड़े तक जाने की कोशिश करूं आंटी. तो जिस तरह से मैंने बाहर रिलीज किया उसी तरह से मैं इसको प्रेशर लगा के जॉ के लोअर एंड को मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे हर मसल की तरह ये मसल सबसे ज़्यादा टाइट होती है. कितना रेजिस्टेंस मेरे हाथ में है आप भी महसूस कर रहे होगे आंटी कि कितना खिंचाव आ रहा है, राइट. तो ये समझ लीजिए कि एक तरह की आपकी जैसी जॉ बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है तो हाथ पे प्रेशर आता ही आता है. आंटी खोल के रखेंगे. यस यस, अब तो देखिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड. मैंने फिलहाल तो आंटी को 2 बार बोला है, 2 बार वीक में. 2 बार वीक में इसलिए बोला है कि रोज नहीं कर सकते आंटी के लिए. इस एज में ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. ये वाला दांत हटा दो, हटा दो, ये हट जाते हैं. हटा दो आंटी, आपके लिए भी अच्छा. बट मेजर प्रॉब्लम तो पीछे से है, आगे से हमें हां जी नहीं, वो थोड़ा दांत पे प्रेशर पड़ा तो नहीं. ठीक है ठीक है. तो हम इसमें एक्यूपंक्चर किया है मैसेटर मसल्स के आसपास, और मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये उठा हुआ मैसेटर मसल्स था, जो टोन थी मसल्स की, अगर साइड से या ऊपर से दिखाओगे या इधर से देखोगे कितने ज़्यादा मैसेटर मसल्स प्रोमिनेंट हैं. ये काफ़ी टोन इसकी कम हुई है नीडलिंग की वजह से.
बट ये साफ साफ नजर आ रहा है कि मैसेटर मसल्स इनके स्ट्रेस्ड आउट हैं। मैसेटर मसल्स बहुत ज्यादा एक एक्सेसिव प्रेशर लेते हैं। एक बार मैं एक्टिवेटर और यूज करूंगा। कुछ नहीं हो रहा आंटी, कुछ नहीं हो रहा। जस्ट टू गिव अ थ्रस्ट टू द टेम्पलो मैंडिबुलर जॉइंट। या बैठेंगे आंटी आराम से। इसमें इसमें एक और चीज है कि मैं नेक को भी एडजस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीपिटल जॉइंट से अगर प्रेशर आ रहा होगा तो वो भी इन टीएमजे जॉइंट के आसपास काफी प्रेशर बनाता है, और ज्यादातर केसेस में हमने यही देखा है। तो लेटे रहिएगा आंटी, इजी इजी इजी, ब्रीथ आउट, नाइस। कैसा लगा? एक और इजी, सुपर। सर्वाइकल तो है, सर्वाइकल की वजह से ही काफी कुछ ये चीजें होती हैं। जब गर्दन पे प्रेशर आता है सभी इस पे आता है। अब आप अपना मुंह खोलिए, जब पहले थोड़ा सा आपको लग रहा है, चाहे वो हाँ। चाहे मैं कह रहा हूँ कि 2% लग रहा है, हाँ जी। मैं 10% की भी बात नहीं कर रहा, बट लग रहा है कि हल्का बन है थोड़ा सा, हाँ जी। तो इनकी पेशेंट का रिव्यू का तो कोई वो है नहीं, बट आई एम श्योर अगर जितना आंटी आएंगी तो मैं हो सकता है 15-20 दिन एक महीने बाद तब मैं आंटी से पूछ के आप लोगों को बताऊं कि कैसा इनका रिजल्ट रहा। फर्स्ट सेशन में सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट दिखाने की कोशिश की है, क्या मैं कर सकता हूं। और थोड़ी सी आंटी की दिक्कतें सुन लेते हैं। आंटी अपनी दिक्कतें बताओ, क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? अच्छा, मुंह नहीं खुल रहा, खाना बस सिर्फ चम्मच जाता है, चोरी वगैरह बना के धीरे धीरे ऐसे चबाती रहती हूँ, तब खाती हूँ। एक टाइम में भी बाकी लिक्विड लेती हूँ, हलवा ले लेती हूँ, राइस ले लेती हूँ। तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा परेशान है इस वक्त? हाँ। या आप कितना बोलोगे? खाना खाते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वैसे तो टच और ठीक, बट पानी पियोगे तब भी आपको? हाँ, पानी पीते टाइम है ना, या पानी पीते टाइम, कुछ भी खाते टाइम, दवाई खाते टाइम, तो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम तो होती है जब कहीं भी हो। तो मैं एक और चीज एडवाइस करूंगा, डॉक्टर उसको हील करने की बात कर रहे हैं, हम आपके जबड़ों को एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, हम आपके जबड़ों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे ताकि वो मुंह का डिस्टेंस बढ़े, और ये जितना स्ट्रेच होगा तभी आपकी ये दिक्कत कम होगी। अगर ये चले गई नहीं तो क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम? जैसे आप बता रही थी कि मुझे दर्द है ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत? कोई नहीं, चलेगा तो खाया नहीं जाता ना, बस धीरे धीरे मुंह बंद हो जाएगा। हम इसको चलाना है, एक्सरसाइज करना है, तो एक चीज कीजिएगा, च्युइंग गम लेके। अच्छा, एक्सरसाइज, ये चीज डॉक्टर साहब जब मेरे को एक हफ्ता पहले हो रही थी ना, तो जब मैं मुंह बंद करती थी तब पेन होता था, तो थोड़ा सा ऐसे लगता था खिंचाव पड़ रहा है, तो जैसे कहते हैं ना वो चुगाली करती रहती है भैंसे गाय, तो ऐसे ऐसे मुंह चलाती रहती थी मैं, ऐसे ऐसे अभी भी करती हूँ ऐसे ऐसे। वो करो भाई, गुब्बारा भी लो, ठीक है, बराबर होता है ना, जैसे शंख गुब्बारे से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस गुब्बारे में तो हवा रुक जाती है, उसमें आप और डालोगे रुक जाएगी। सुबह ये बजाते हैं, शाम को मैं बजाती हूँ, सुबह शाम बजाऊंगी, घर तो है ही शंख, आपको ताकत लगानी है। कोई चीज अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है, तो उतनी ताकत लगाओ जितना आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि वो चलता रहे। अगर मैं यहाँ पे थेरेपी करूँ, आप घर पे इसको इस्तेमाल ही नहीं करो तो भी ठीक नहीं होगा। नहीं, कल मैंने असल में फास्ट था ना एकाशी का, तो मखाने बनाए थे, तो कोशिश करी तो चबाए जा रहे थे, वो मैंने बिटिया लड़ने लगी, सब चीज खानी है, क्यों देखिए हर मजे, मखाना सॉफ्ट था, मैंने तोड़ के देखा टूट गया। प्लीज आप खाइए, सारी चीजें कीजिए, रोटी भी चबाइए। चबा रही हूँ, एक टाइम खाती हूँ रोटी। और व्यूअर्स को बता दो, मैंने सिर्फ 2 बार ही बुलाया है, तो आज है सैटरडे,
और नेक्स्ट मैं इनको आंटी को बुलाना चाहूंगा ट्यूसडे या वेनसडे। और क्यों मैं 2 या 3 दिन के गैप से बुला रहा हूँ, ज्यादा करने से मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा फायदा कर दूंगा। शायद आने वाले टाइम में जब इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाए तब मैं थोड़ा रेगुलरली बुलाऊंगा। आंटी दूर नहीं रहती है तो पास में है तो आ सकते हैं। दोबारा एंड करना। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आंटी की स्माइल अच्छी लगती है, मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक आइकन को हिट करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल जरूर पूछें। राधे 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 राधे। हम भी राधे भक्त हैं। जय हमारे सर भी राधे राधे। हमारे कान्हा जी करेंगे सब जी।